पास इसमें हम खड़े हैं जो कि भाईंदर पश्चिम में ये आता है यहाँ पे कल मनपा प्रशासन द्वारा कुछ घर को तोड़ा गया है मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे घर कुछ सुरक्षित है लेकिन इसके अंदर के घर तोड़े गए हैं यहाँ के जो रहिवासी है जिनका घर तोड़ा गया है उनका ऐसा आरोप है कि ये हमें जानबूझ के टारगेट किया गया है इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास कई ऐसे टैक्स पौधी हैं जिसमें तो लिखा हुआ है ये गवर्नमेंट लैंड है लेकिन ऐसे भी कई इनके पास पौधे जो झूने हैं उस पर किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट लैंड नहीं लिखा गया है और ऐसे कई लोग हैं जो बच्चों को स्कूल लेने गए थे कोई काम पर गए थे उनके भी घर तोड़े गए यानी कि बिना नोटिस दिए उनको घर को तोड़ दिया गया उनके सामान को तबाह कर दिया गया अब इन्हें न्याय दिलाने के लिए मनसे के नेता संदीप राणे मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने क्या क्या कहा और यहाँ के महिलाओं ने जिनका घर टूटा है उन्होंने क्या क्या कहा चलिए माध्यम से ये नगर पालिका को चेतावनी दे रहा हूँ कि उन्होंने जो भी किया है बहुत गलत काम किया है आप देखते रहे यहाँ पे सामान्य लोग रहते हैं यहाँ पे कोई करोड़पति लोग रहते नहीं हैं आज देखेंगे उत्तर साइड में गोराई साइड में मीरा भाईंदर के हद में बड़े बड़े बिल्डर बड़े बड़े नगर पालिके के अधिकारी डॉक्टर्स वकील लोग का बंगला बना है उधर कोई अगर अधिकारी जाता नहीं है क्यों उनके पास पैसा है उनको पैसा उधर से पहुँचता होगा ये मेरा जाहिर आरोप है उनके ऊपर आज ये सामान्य लोग है आज विचार करो आज इधर खाली टारगेट मतलब सौताला व्यवहार सौताला व्यवहार बोलते हैं ना वैसा इधर की है मेन रोड का रूम रख के उसके पीछे का तुम तोड़ने को जाते हैं उसका मतलब क्या समझने का आज नगर पालिके के कुछ अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी और यहाँ के कुछ बोलते हैं ना स्थानीय गुंडे लोग और जो जिसने जो ठेका लेकर रखा है पावती बना के देने का झूठा पावती बना के देने का ये सब यहाँ पे कारोबार चल रहा है तो मैं उनको भी चाहता हूँ आपके माध्यम से देता हूँ कि ये सब गरीब लोग का जो झोपड़ा है इसके ऊपर कार्रवाई मत करो अगर कार्रवाई करना है तो आप सब सब जगह पे एक ही सड़ी का कार्रवाई करो ना तो ही उसका कुछ मालूम पड़ेगा कि आपने कुछ टारगेट नहीं किया आप दस घर छोड़ के बाद में अंदर जाओगे ग्यारह गया, घर तोड़ने के लिए उसका मतलब क्या है उसका मतलब टारगेट कर रहे हो आपको पैसे की ज़रूरत है क्या पैसे का जो भी रहेगा तो अगर रहेगा तो क्लियर कट बोलो ना तो मैं आपको पैसा दे देता हूँ आके अगर कोई अगर आपका कोई यहाँ पे कोई आपका दलाल रहेगा उसको भी आपके माध्यम से चेतावन देता तो का काम करना है तो सही करना गरीब लोग के ऊपर किसी के पेट के ऊपर लात नहीं और ये घर जैसा चीज़ आप बड़े बड़े बंगले तोड़ो ना मीरा मीरा में बहुत से मैंग्रोस के ऊपर बड़े बड़े बंगले बने बिल्डिंग बने उसके ऊपर कोई कार्रवाई कौन करेगा तो आपके माध्यम से ये नगर पालिका के अधिकारियों को मैं कहता हूँ खास करके कंचन गायकवाड़ जी को कि आप आप जब से आए यहाँ पे जब से यहाँ पे अन्याय हो रहा है उसके पहले सब चल रहा था आपने नगर पालिका का घर पट्टी लगा के दिया है उनको इलेक्ट्रिक का बिल आ रहा है नल का बिल आ रहा है तो फिर आप टैक्स भी ले रहे हो ना उनके पास से तो उसको संरक्षण दो ना आप उसके ऊपर अन्याय कर रहे हो खाली पैसे के लिए दो पैसे के लिए एक चीरी मीरी के लिए तो मेरा ये आपके माध्यम से कहना है कि इनके तकलीफ मत दो अगर इनको तकलीफ तो हम लोग रोड पे उतरेंगे आपके माध्यम से कहना तो ये तो स्थानीय नागरिक लोग हैं और स्थानीय नगर सेवक को भी मैं चेतावनी देता आपके माध्यम से कि आपका जो भी व्यवहार चल रहा है चलने दो लेकिन गरीब लोग को तकलीफ मत दो कल यही जनता आपको सबक सिखाएगी घर पर बिठाएगी ये जनता आपको आप ख्याल में रखना आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो कार्रवाई हो रही है आप देख रहे हैं बहुत गलत तरीके से हो रही है एक घर के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं दूसरे घर को ऐसे ही छोड़ रहे तो ये क्यों कर रहे हैं जबकि हम लोग ने पत्र व्यवहार करके यहाँ पे कुछ और भी अनधिकृत बांधकाम किए हुए हैं जो खाड़ी पे रोड पर से भी दिख रहे उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है लेकिन गरीब लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो ये क्यों हो रहा है मैंने कंचन गायकवाड़ से खुद आके यहाँ पे मिली थी उनसे ये सवाल भी किया था तो उन्होंने बोला था कि विदाउट नोटिस में इसलिए तोड़ रही हूँ क्योंकि ये एम आर में लागू हो रहा है तो एम आर एक दो घर के ऊपर ही लागू हो रहा है बाकी घर के ऊपर एम क्यों नहीं है तो ये गलत तरीके से कंचन गायकवाड़ कार्रवाई कर रही है यहाँ से लेके उत्तन तक वो गलत तरीके से कार्रवाई कर रही है उत्तन में आप देखेंगे तो बहुत सारे अनधिकृत होटल्स हैं बड़े बड़े उनको वो उनको दिख नहीं रहे खाली ये गरीब लोगों के झोपड़े दिख रहे जो पैसा दे रहा है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है और ये उनके जो जो पैसा लेके वो काम कर रही है ना उसके एविडेंस भी हमारे पास है टाइम आने पर वो हम लोग दिखाएंगे उनको नाम है पंद्रह वर्षा पास रहते हैं आणि काल तर आमचं नोटीस न काय करता त्या लोकांनी एकदम येऊन रूम तोडला आणि आम्ही म्हणजे गरीब आहेत मी लोन काढून ते घर बनवत होते आणि त्यांना आम्हाला नोटीस वगैरे काहीच नाही दिलं आणि येऊन डायरेक्ट हातोड्या घातल्या घरावर ते जेव्हा घरा कारवाई करायला आले ते त्याचं मी काय विचारलं की बाबा काय कारवाई मी नव्हते मी थोडी आईची तब्येत खराब मावशीची तब्येत खराब होती म्हणून मी तिकडे गेलेली देवलीला घरी कोणच नव्हतं नसताना पण त्यांनी घर हा कोणी नव्हतं घरी नसता सीमा हुआ कल कल सामान नहीं निकालने दिए लोग सामान वही लोग तो नहीं आए नगर पालिका वाले।, वाले आए सामान भी नहीं निकालने दिए और कुछ भी नहीं करने दे अपना अपना ही कर रहे सुन भी नहीं रहे किसी का गेज़ -गेज़ लो लो तोड़ा वो बोल रहे हैं खाली करो हम लोग तोड़ेंगे हम लोग को आदेश आया है हम लोग तोड़ेंगे तो आपने उनसे पूछा आखिर में हम लोग यहाँ बारह साल से रह रहे फिर क्यों तोड़ हम लोग रह रहे हैं तो आप लोग बोलने हम लोग को बोलने नहीं दे रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग को बोलने का मौका देंगे तभी ना हम लोग बोलेंगे आपको ऐसा लगता है कोई ये जानबूझ के है? अभी ऊपर वाला जाने जानबूझ के है कि कैसा था लेकिन हम लोग तो उसमें हम लोग, लोग किधर रहेंगे तो क्या हो से? हम लोग अपना इतने सालों ऐसी हमारे पास इतना सब पुरावा सब डॉक्यूमेंट सब कुछ रहते हुए हमने उनको दिया डॉक्यूमेंट दिया तो उठा के हमारा डॉक्यूमेंट फेंक दिया बोलते के इसमें आए ये पूरा यहाँ से गेट तक पूरा लैंड है तो हमारा क्यों तोड़ा गया हमारा पूरा पुरावा है इसके बावजूद जब हमने पेपर दिया उठा के फेंक किया और हमारा हमारा घर तोड़ा गया है हमारा टारगेट किया गया है और हमको सामान भी नहीं निकालने दिया है पूरा ऐसे के हम हम तो काम धंधे पे थे लड़की घर पे थी लड़की से लड़ाई झगड़ा करके ताला तोड़ के और हमारा रूम तोड़ा गया है पैसे की डिमांड पहले वालों लोगों ने की थी और वो लोग ने पैसा लिया भी हमसे खा खा के बैठ गए पैसा लेकिन वो लोग लो ने कोई कार्रवाई नहीं की कुछ नहीं किया इधर के नगर सेवक लोग भी सब पैसा खा के बैठे थे हम लोग गए थे पहले भी जब हमारा रूम टूटा हुआ है सबको पैसा दिए सब कुछ किए है लेकिन हमारा कुछ नहीं कोई सुनवाई नहीं किया नगर सेवक चार चार नगर सेवक से से अभी किसके किसके नाम ले अरे स्कूल गए थे हम तो लाने का अनिता सोनी नाम है मेरा और सामान विमान कुछ भी जब तक आए तो तोड़ दिए कुछ, कुछ भी दिए त्या, त्या दिलेले तरी धडाधड पाडा प्रयत्न केलेले काय रडलेलं काय झालेलं काय त्यांनी ऐकलं नाही असे कागद दाखवले फेकून दिलेले एक दोन रूम तोडा बाकी रूम नाही तोडा आता ते तर माहिती नाही दोन रूम का तोडलं ते माहिती नाही आम्हाला पण आता ते आमचं पण आम्ही उद्याला येणार आहे खाली करा सरकारी अधिकारी नहीं हमारा साहब कहा जो नहीं थे यहाँ के जो स्थानीय लोग थे जिनका घर तोड़ा गया उन्होंने कहा कि हमें किसी प्रकार कोई नोटिस नहीं दिया गया था तो हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट्स है ऐसे कई सारे कागज उनके पास कागजात थे जिसपे गवर्नमेंट लैंड लिखा हुआ है और कई सारे नहीं है जिसपे गवर्नमेंट लैंड नहीं लिखा है यानी जो जूने कागजात हैं उस पर गवर्नमेंट लैंड नहीं लिखा गया है जो नए है उस पर लिखा गया है लेकिन इनका कहना है कि अगर आपको तोड़ना है ये कार्रवाई सबके ऊपर करो ये हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है हमारा जो घर अंदर है हमें तोड़ दिया जाता है लेकिन यही जो बाहर के घर हैं जो इनलीगल तरीके से बनाए गए उसे क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है संदीप रानी मैदान में उतर चुके हैं इन्हें न्याय दिलाने के लिए और उन्होंने साफ शब्दों में यहाँ के लोकल गुंडों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर आप इन गरीबों को परेशान करोगे तो मन से आप सभी को अपने स्टाइल में जवाब देगी उन्होंने वो यहीं तक नहीं चुप बैठे उन्होंने मनपा अधिकारियों को भी चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि गरीबों को परेशान करना छोड़ो अगर आपको जो इन लीगल बिल्डिंगे जो घर जो होटल तोड़ना है तो जाओ ना उत्तर में तोड़ जो पैसे वाले हैं इन गरीबों को आखिर में परेशान क्यों किया जा रहा है वो मनपा प्रशासन के तोड़क कार्रवाई का विरोध नहीं कर रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं जो ये टारगेट करके तोड़ा जा रहा है यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा है कि जो पैसा दे रहे हैं उनका घर छोड़ा जा रहा है जो पैसा नहीं दे रहे हैं उनका घर तोड़ा जा रहा है और समय आने पर वो एविडेंस भी उसको दिखाएँगे अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि ऐसे अधिकारियों के ऊपर किस तरह से नकेल कसा जाए जो टारगेट करके लोगों का घर तोड़ रहे हैं आखिर में स्थानीय नगर सेवक चुपचाप क्यों बैठे हैं बॉन्ड्री इंडिया के लिए